कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने साथ जोड़ तो लिया और कन्हैया कुमार जिस अंदाज और अटैक के लिए जाने जाते हैं वो भी उन्होंने बीजेपी और मोदी पर बोल दिया। लेकिन सवाल यह है कि कन्हैया कुमार का अतीत कांग्रेस को कामयाबी दिला पाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अपनी विचारधारा से लेफ्ट के तारणहार कहे जाने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में सियासत का कौन सा दांव आजमाएंगे। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने कन्हैया में सियासत का कौन सा गुण देख लिया। फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले में तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम और चर्चित चेहरा बना दिया। इसमें उनका जेल जाना और जमानत पर बाहर आने के बाद जेएनयू परिसर में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए उनके जबरदस्त जोशीले भाषण का बड़ा हाथ रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और ख्रुश्चेव की बात कर रहे थे, मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 3 मार्च 2016 की रात को कन्हैया जेल से रिहा हुए और सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे कन्हैया ने भाषण देना शुरू किया। सभी टीवी न्यूज चैनल्स पर उसे लाइव दिखाया गया। करीब 50 मिनट के भाषण में कन्हैया ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला, सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। मुझे कोई संपत्ति नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है, लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। सीताराम येचुरी को भी मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, कन्हैया के भाषण से साफ था कि वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए तैयार है। उन्होंने रूपकों के सहारे बहुजन आंदोलन और लेफ्ट की एकता की पैरोकारी की। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूँ कि मुझे जेल में 2 बाउल मिला, एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। कटोरी को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टिनी पे तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है कि एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कन्हैया के भाषण की शान में कसीदे पढ़ने में देरी नहीं लगाई और वो वामपंथी रुझान वाले बुद्धिजीवियों के भी आंख का तारा बन गए। कन्हैया को इस रूप में पेश किया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी से सीधे दो दो हाथ करने में सक्षम एक युवा नेता मिल गया है जो अपने भाषणों से लोगों में नया जोश भर देता है। उनमें एक ऐसे नेता का अक्स भी देखे जाने लगा जो बदहाल लेफ्ट के लिए तारणहार साबित होगा। कन्हैया तब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। टीवी चैनल्स में उन्हें हाथों हाथ लिया जाने लगा। सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी काडरों में जोश भरने के अभियान पर लगा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने उन्हें उनके गृह जिले बेगूसराय से मैदान में उतारा। मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था जो पिछली बार नवादा सीट से जीते थे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर भूमिहार वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। कन्हैया भी इन्हीं समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सीपीआई को उम्मीद थी कि कन्हैया बदौलत वो बेगूसराय में इस बार लाल परचम लहरा देंगे। हम मंदिर में गए गिरिराज जी, हम मंदिर में खड़ा होकर के नारा लगा रहे हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। किसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस,
लेकिन देश भैंस नहीं है, देश देश है। और देश को जैसे ये चलाना चाहते हैं, इनको सीना ठोक के कहते हैं कि तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो कन्हैया 1-2 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से भी ज्यादा अंतर से चुनाव हार गए और जीत का सहरा बधा गिरिराज सिंह के सिर पर। सांत्वना पुरस्कार की तरह ये बात रही कि वो दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि नतीजों से इस सितारे की चमक धुंधली जरूर पड़ी। सीपीआई में ना तो उनका चुनाव से पहले वाला रुतबा रहा और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर पहले जैसी चर्चा। कभी अंबेडकर और लेफ्ट मूवमेंट की एकता की पैरवी करने वाले कन्हैया कुमार आज लाल कटोरे को ही फेंक चुके हैं। वो भले ही अपने घर में पहले चुनावी इम्तिहान में पूरी तरह फेल हो गए, लेकिन कांग्रेस को उनमें उम्मीद की किरण दिख रही है। बिहार में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को कन्हैया में वहां अपना भविष्य दिख रहा है। आज तक ब्यूरो